साइन दिखाइए सर, साइन 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 सर, क्या क्या उम्मीद करते हैं तमाम मोबाइलों को हैदराबाद से तेलंगाना के तमाम वोटर से राय तेलंगान से मेरी अपील है कि वोट निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। अभी 9 बज रहे हैं, आपके पास शाम में 5 बजे टाइम है। हैदराबाद की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए, तेलंगाना की गंगा जमुनी तहजीब को और हमारे इस रियासत की भाईचारगी को मजबूत बनाने के लिए, इसको खूबसूरत रखने के लिए, जमहूरियत को मजबूत करने के लिए, संविधान में और एतमाद और भरोसा पैदा करने के लिए मेरी तमाम आवाम से अपील है कि जरा निकलिए घर से। ये घर में बैठकर छुट्टी मनाने का दिन नहीं है, अपनी आवाज को, अपनी पसंद को, नापसंद पे इजहार करने का दिन है। तो मेरी आप तमाम लोगों से अपील है कि निकलिए, आधा एक घंटे के लिए निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल करिए, 100% पोलिंग करिए, ताकि हम अपनी मुल्क को मजबूत कर सकें, मुल्क की जमहूरियत को मजबूत कर सकें, आइन को मजबूत कर सकें। और ये बहुत जरूरी है कि हर वो शख्स जिसका नाम वोटर लिस्ट में है वो अपने घर से रवाना होकर अपने वोट का इस्तेमाल करें, ताकि आवाम की कामयाबी हो सके। सर, आप एज ए वोटर आपके जहन में क्या मुद्दे हैं जिनको लेके आप वोट क्या मुद्दे हैं? मैंने अभी सब बयान कर दिया ना, तो मैं अभी और ज्यादा बोलूंगा तो फिर खामखा कहीं एमसीसी का वायलेशन ना हो जाए। आपकी वोटिंग परसेंटेज सर हैदराबाद में हमेशा से कम रहा है, क्या अपील करना चाहेंगे शहरी वोटरों को कि वो आकर बाहर निकले? ये बहुत जरूरी है, आप सही कह रहे हैं कि शहरी इलाके के लोग, अर्बन एरिया के लोग जो बड़े बड़े सिटीज में रहते हैं, वो ये ना समझे कि छुट्टी का दिन है, वो ये समझे कि आपको अपनी पसंद का इजहार करने का दिन है, आपको अपनी नापसंद के इजहार करने का दिन है, आपको अपने महल्ले को, अपने बिल्डिंग में रहने अतराब के माहौल को अच्छा करने के लिए, शहर को और खूबसूरत बनाने के लिए आपको निकलकर अपना वोट डालना पड़ेगा। अगर वोट नहीं डालेंगे तो फिर आपकी अहमियत भी कम हो जाएगी, और फिर हमारी जमहूरियत को, हमारे लोकतंत्र को मजबूत करना है वो कैसे होगा? सिर्फ जबान से तो नहीं होगा। आप निकलेंगे, अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे, तो ये यकीनन पॉलिटिशियंस की जवाबदेही बढ़ेगी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। वरना हम ये लोग ही समझेंगे नहीं भाई शहर के लोग नहीं निकलते हैं, वो तो छुट्टी मनाते हैं, टीवी देखते हैं, हॉलीडे पे चले जाते हैं। तो आप निकलिए, पोलिंग परसेंटेज हमारा 100% होना चाहिए, आपकी बेहतरीन मौका है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, हो रहा है। प्लीज आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने वोट का इस्तेमाल करिए, घर में मत बैठिए, तो आप अपना नाश्ता या खाना बाद में खाइए, मगर आज वोट डालिए। महिलाओं के लिए और यंग वोटर्स के लिए कुछ कहना चाहिए? नहीं नहीं